कोई नहीं होता, उसका ईश्वर होता है। वहीं जो बे औलाद महिला व पुरुष जिन्हें दो टाइम की रोटी नसीब नहीं हो पाती है, ऐसे ही वृद्ध महिला पुरुषों की देखरेख के लिए जनपद मैनपुरी में एक एनजीओ द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम में लोगों को सहारा मिलता है, जहाँ वृद्धों की देखरेख के लिए मेन्यू के हिसाब से खाना और सारी सुविधाएं पूरी रखने का दावा रखता है यह वृद्धा आश्रम। जी हाँ, जिसका उत्तर प्रदेश सचिवालय के राज्य संपत्ति विभाग की एक महिला सदस्य ने औचक निरीक्षण किया कि वृद्ध आश्रम में हड़कंप मच गया। जिन्होंने निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई, जिसके चलते वृद्ध आश्रम को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात कही गई। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी शहर का है। जानकारी अनुसार जनपद मैनपुरी में आदर्श भगवती शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा जेल और दीवानी रोड पर निःशुल्क वृद्ध आश्रम एनजीओ के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश सचिवालय राज्य संपत्ति विभाग की महिला सदस्य सुषमा सिंह ने सुबह 9 बजे औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कागजों पर चलाए जा रहे इस आश्रम के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, जिससे इस आश्रम को ब्लैकलिस्ट में बताते हुए अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही। इस संबंध में जब मीडिया से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास 2-3 शिकायतें आई थी और 2-3 महीने पहले किसी वृद्ध की मौत हो गई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वृद्ध आश्रम से जारी नहीं किया गया था। यह आश्रम जब से खुला है तब से 2-3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में उन्होंने बताया कि उनकी बात समाज कल्याण विभाग से हुई थी और समाज कल्याण द्वारा बताया गया है कि 90,000 प्रति माह भवन के नाम दिया जाता है और जिस प्रकार का भवन कागजों में दर्शाया गया है उस प्रकार का भवन मौजूद नहीं है। कागजों में 8 कमरे बताए गए थे, यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है, सब हॉल में सोते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि वृद्ध महिला पुरुषों की देखरेख के लिए 16 लोग की तैनाती बताई गई है, लेकिन यह 16 लोग मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि हॉल के अंदर भयंकर बदबू है, बिजली पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। देखिए, जनपद मैनपुरी से गौरव पांडे की विशेष रिपोर्ट। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जो है वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया है, किस तरीके का निरीक्षण था बताते हैं कि कई खामियां आपकी उसमें पाई गई है। अब खामियां तो कोई नहीं बोलती, वो चिल्ला ही रही सब पे, पूरे स्टाफ पे, क्या क्या। एकदम सुबह का टाइम था भाई, झाड़ू पोछा खाने का टाइम था, एकदम पूरे स्टाफ को अड़का के रख दिया। अरे सावधानी से एक एक रिकॉर्ड मांगो, देखिए। नहीं बताया जाता कि मानक के अनुरूप ये वृद्धाश्रम नहीं बना, जैसे मानक के रूप में वृद्धाश्रम है, कोई हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है ना कोई। ये मालूम कि आज महिला आयोग की कोई अध्यक्ष आ रही है, उपाध्यक्ष आ रही है, मेन्यू के हिसाब से खाना बना हुआ है, मेन्यू के हिसाब से नाश्ता मिला हुआ, सब कुछ मेरे यहाँ ओके व्यवस्था है। बताते हैं कि जो नया शौचालय भी नहीं है और बदबू आती है। 6 शौचालय है, 6 शौचालय 6 बाथरूम है, और कितने चाहिए। अच्छा, कुछ मृतक प्रमाण पत्र को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। जो भी हमारे मृतक हो जाते हैं बाकायदा रिपोर्ट के साथ लखनऊ चले जाते हैं। शिकायत हुई थी उसके बाद ये शिकायत हुई है तो दिखाए वो ये कौन सा मृतक है और जिसका नाम चल रहा है वो हमें बताए वो मैडम। मैडम आज जो है यहाँ पर जो है क्या निरीक्षण करने आई, किस मामले को लेकर आई। देखिए, हमारे पास आयोग में 2-3 लोगों ने ऐसी शिकायत की थी कि अभी 2-3 महीने पहले किसी वृद्धजन की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी भी वृद्धाश्रम के द्वारा नहीं लगाया गया। जब से ये खुला है तब से ऐसी शायद 2-3 मृत्यु हो गई हैं, कभी भी यहाँ पर कक्षों में उसकी जानकारी नहीं होती है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। समाज कल्याण अधिकारी से कल बैठक उनसे पूछा भी गया था, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि वो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो एक औचक निरीक्षण करना था। हम लोगों की सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि जिस प्रकार का भवन 90,000 रुपये समाज कल्याण विभाग दे रहा है, बहुत सारे भवनों का निर्माण उस प्रकार का नहीं है, वो ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो कागजों में दिखाई गई है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट का, तो रेंट एग्रीमेंट में जो लिखा गया है कि 8 कमरे हैं तो इतने कमरे नहीं हैं, उसमें टॉयलेट और बाथरूम्स की संख्या नहीं दी गई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कागजों में कुछ और हैं। यहाँ 16 लोग कार्यरत हैं लेकिन 16 लोगों की प्रेजेंस नहीं है, और जिसमें से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ पे DPO हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, महिला थाना है, यहाँ की लोकल जो थाना है कोतवाली, उनसे भी वहाँ से भी आए हुए हैं। एक सिक्योरिटी की भी बात आती है तो 4 दीवारें नहीं है, टॉयलेट्स की बात आती है तो कोई लाइट नहीं है, अंदर भयंकर मतलब बदबू है जी। एक नॉर्मल आदमी सांस नहीं ले सकता है, यहाँ दिव्यांग जन भी हैं, यहाँ कहने को एक महिला नर्स है, 2-3 नर्सें बता रहे हैं, उनको उनके नाम नहीं पता, कभी उन्होंने उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं करवाया, कभी उनको बेनिफिशरी नहीं बनाया। यहाँ पर कोई किचन नहीं है,
यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं, मानक के अनुसार ये वृद्धाश्रम नहीं है, किसी भी प्रकार का मानक ये लोग पूरा नहीं करे हुए हैं। सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति है। यहाँ पर हमारे सामने जी इस औचक निरीक्षण में जहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, BSA हैं और हमारे DPO हैं, महिला थाना अध्यक्ष हैं, कोतवाली से हैं, सबके सामने ये लोग किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। प्लस जो भी इन्होंने जानकारी दी है वो गलत और भ्रमित करने वाली। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, संस्था को हम ब्लैकलिस्ट करवाएंगे, एक बात। दूसरी बात, ये वृद्धजनों को किसी प्रकार की भी कोई वो ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो, तो सिटी मजिस्ट्रेट से हमने अभी सुनिश्चित किया है कि इनको सबसे पहले क्या बेसिक रिक्वायरमेंट कार्रवाई है वो संस्था के पास होनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, और निकटतम थाने के पास भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।